कलेक्ट्रेट परिसर में जिला पंचायत चुनाव के लिए किए गए नामांकन पत्रों की जांच मंगलवार को पूरा हो गया, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि नामांकन पत्रों का कलेक्ट्रेट परिसर सहित 20 ब्लॉकों में सोमवार से स्क्रूटनी किया जा रहा है, जिसमें संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि गंभीर त्रुटि मिलने पर ही नामांकन पत्र को रद्द किया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह और जिला पंचायती राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने कहा, निकाल लियो सर। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह हूँ, एडीएम फाइनेंस हूँ गोरखपुर में। कल और आज नामांकन पत्रों की समीक्षा हुई, स्क्रूटनी हुई है और पूरे जनपद में हमारे 20 ब्लॉकों में यह काम हो रहा है और कलेक्ट्रेट स्तर पर यह काम हो रहा है। 5 बजे तक यह कार्य किया गया है। अभी सूचनाएं संकलित हो रही हैं, 1-2 घंटे में सूचनाएं प्राप्त हो जाएंगी कि कहाँ कहाँ कितने कितने नामों को कमियों के कारण निरस्त किया गया है। नामांकन की प्रक्रिया में जो आरओ रिटर्निंग अफसर और एआरओ असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर ही सर्वे सर्वा होता है, उन्हीं का निर्णय अंतिम होता है और उन्हें जो आरओ हैंडबुक में जो भी व्यवस्थाएं दी गई हैं उसके तहत जांच करनी है। यदि वो किसी का नामांकन निरस्त करते हैं उसके लिए वो अपना स्पीकिंग ऑर्डर करेंगे। गोरखपुर में 3 और 4 अप्रैल को जो नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे उसकी जांच 5 और 6 अप्रैल को की गई। जांच के बाद जिला पंचायत सदस्य के 867 नामांकन पत्र जो भरे गए थे उसके सापेक्ष 858 नामांकन पत्र सही पाए गए हैं, जबकि 9 नामांकन पत्र को खारिज किया गया है। उसके अलावा ग्राम पंचायत सदस्य के कुल 16,501 नामांकन पत्र भरे गए थे उसके सापेक्ष 15,900 नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं और जबकि 601 नामांकन पत्र खारिज किए गए हैं। उसी तरह से ग्राम पंचायत प्रधान पद के लिए कुल 11,425 नामांकन पत्र भरे गए थे उसमें से 40 नामांकन पत्र वैध नहीं पाए गए और बाकी जो है 11,383 नामांकन पत्र को वैध पाया गया है। और क्षेत्र पंचायत सदस्य जिसे कि पीडीसी कहते हैं उसमें 9,027 नामांकन पत्र के सापेक्ष 62 नामांकन पत्र अवैध पाए गए हैं, जबकि 8,964 नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं। 5 और 6 को जो अभी इसकी स्क्रूटनी हुई है उसके बाद 7 तारीख को कल नाम वापस लेने का समय है। कल 3 बजे तक नाम वापस लिया जाएगा और उसके बाद 3 बजे के बाद जो है नामांकन प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे और
15 अप्रैल को प्रथम चरण में गोरखपुर में चुनाव होगा और 2 मई को इसकी मतगणना की जाएगी।